नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगामी होली पर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र के गणमान्य में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की कोतवाली चांसठ परिसर में बैठक बुलाकर आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। वहीं क्षेत्र में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने में सहयोग की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शरारती तत्वों को पुलिस सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी शरारती तत्व ने खुरापात करने की कोशिश की तो शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को शांति समिति की बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोग व चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को बैठक में आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए पुलिस ने कहा कि अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है, वहीं आचार संहिता भी लग चुकी है। लिहाजा समय रहते जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वो लोग स्वयं चुनाव संबंधी बैनर पोस्टर उतरवा लें, अन्यथा आचार संहिता का पालन करते हुए पुलिस को उन्हें उतरवाना पड़ेगा तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे तथा पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने व भ्रामक प्रचार करने वालों और किसी भी शरारती तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जो आचार संहिता लगाई गई है उसके क्रम में और जो हमारे दो त्यौहार और सभी बरात, इन दोनों त्यौहारों और चुनाव के मद्देनज़र इस थाना जनसद के अंतर्गत गांव के जितने भर संभ्रांत लोग हैं या जितने भर उम्मीदवार हैं इस चुनाव में लड़ने के, उन सबकी एक शांति बैठक यहां बुलाई गई थी ताकि त्यौहार के बारे में और माननीय आयोग के जो भी आचार संहिता लगने के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका जो संबंधित लोगों को उसको उसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए उनको अवगत कराया गया है ताकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अक्षर सा पालन किया जाए। सर, इसका इसके बारे में बताया गया है कितना खर्च ग्राम प्रधान को मिल रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी? इसके बारे में जब वो लोग पर्चा भरेंगे उसके बारे में उनको तब विस्तृत गाइडलाइन जो है वो दे दी जाएंगी कि वो कितनी पंपलेट छाप सकते हैं, उस पर कितना खर्चा कर सकते हैं, पर व्यक्ति कितना खर्चा है, ये उसके बारे में विस्तृत गाइडलाइन अलग से जारी की जाएंगी। अभी चुनाव के दौरान उनका किस तरह का आचरण रहना है, किस तरह की उनको रैलियां कर सकते हैं, किस कितने लोग इकट्ठा कर सकते हैं, मतदान केंद्र पर वो कितनी दूरी तक रह सकते हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मुजफ्फरनगर के जानसठ में भाजपा नेताओं ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जो सरकारें वर्षों से ना कर पाई वह भाजपा सरकार ने चार वर्षों में कर दिखाया। जानसठ क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याण योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने ग्रामीणों को किसानों की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और प्रधानमंत्री के विजन के साकार होने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियां जैसे मिशन नारी शक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना आदि अनेक प्रकार की उपलब्धियों को इस दौरान बताया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।